हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज का टॉपिक जो है आपका बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम डिस्कस करेंगे 25+ एमसीक्यूज इंडियन पॉलिटी के। तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में 25 क्वेश्चंस आपको दिए थे वो एक मॉक टेस्ट था। आज दूसरा मॉक टेस्ट है आपका, सेकेंड मॉक टेस्ट। तो जो हमने आपको पॉलिटी का सिलेबस करवाया है फीमेल सुपरवाइजर का, उसका जो है ये सेकंड मॉक टेस्ट है। तो ये क्वेश्चंस जो दो थे ये मैंने आपको होमवर्क दिए थे। तो देखिए इनका आज बता देता हूं मैं क्या राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व इन ऑल पंचायत्स एट द लेवल फॉर वुमेन्स। तो कितनी सीट्स जो है सभी पंचायत्स में रिजर्व होती हैं वुमेन के लिए, तो कितनी होती हैं? 1/3। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1/3 सीट जो है सभी पंचायत में रिजर्व होती है वुमेन्स के लिए। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था आपका होमवर्क, इसमें क्या था, इफ अ न्यू स्टेट ऑफ इंडिया इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड। अगर कोई नई स्टेट अगर इंडिया ने बनानी होगी तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड। तो कौन सा जो है, कौन से स्केड्यूल को जो है अमेंड करना पड़ेगा, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, वो जो है फर्स्ट स्केड्यूल। ठीक है, यहाँ पे जो है इसका ऑप्शन जो है ए राइट आंसर है। ठीक है, तो देखिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये हमारा चैनल है जेके स्टडी स्ट्रेटजी। तो कमेंट लाइक भी जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि जो भी नई अपडेट हमारी आ जाएगी तो आप जो है उसको देख पाएंगे। तो करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन विच ईयर सिक्किम वॉज एसोसिएट इन द इंडियन यूनियन। तो कौन से ईयर में जो है सिक्किम जो है इंडियन यूनियन के साथ जो है जुड़ा था, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, वो जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। इन 1975 में जो है सिक्किम इंडिया का जो है इंटीग्रल पार्ट बना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द कंसेप्ट ऑफ पंचायत राज हैज बीन इंट्रोड्यूस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय द इंसर्टेशन ऑफ। तो यहाँ पे आपने बताना है कि जो पंचायत राज जो है उसको इंट्रोड्यूस करा गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो किसको जो है ऐड करके। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल जो है 123 है। ठीक है, एंड ऑप्शन जो है आपका सेकेंड जो है वो है आर्टिकल 300A जो है, ऑप्शन सी जो है आर्टिकल 243 है, एंड ऑप्शन डी जो है नन ऑफ अबव। तो इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, कौन सा आर्टिकल जो है ऐड करने से हमने जो है पंचायत राज को इंट्रोड्यूस करा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो जो है आर्टिकल 243, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। अपनी तरफ से भी आप आंसर निकालने की कोशिश करिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द पंचायत राज एडमिनिस्ट्रेशन इज प्राइमरली एम्ड। तो इसका जो है क्या एम था पंचायत राज का, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका वो है टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को जो है इंक्रीज करने के लिए पंचायत राज को एडमिनिस्ट्रेट करा गया था। ऑप्शन बी जो है आपका, ऑप्शन बी है टू इंश्योर रियल डेवलपमेंट। तो क्या रियल डेवलपमेंट के लिए जो है इसको लाया गया था। ऑप्शन सी जो है आपका टू वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन्स, एंड ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी है टू अरोज इन द पीपल ऑफ ईच एरिया इंटेंसिव द कंटिन्यूस इंटरेस्ट इन द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर फोर है, पंचायत राज सिस्टम वॉज एडॉप्ट टू। तो पंचायत राज सिस्टम जो है अडॉप्ट करा गया है किसके लिए, मेक पीपल अवेयर पॉलिटिक्स, क्या ये राइट होगा। ऑप्शन बी जो है डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, इसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए डेमोक्रेसी की पावर को, क्या इसलिए। एंड ऑप्शन सी जो है आपका एडुकेट द पीजेंट्स, तो ऑप्शन डी जो है आपका टू इंट्रोड्यूस अ फॉर्म ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट विलेज ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, तो ये जो है राइट आंसर होगा। पंचायत राज सिस्टम को अडॉप्ट क्यों करा गया है, क्योंकि उसमें जो है इंट्रोड्यूस करे जाएगी क्या, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कहाँ पे, विलेजेस में, ब्लॉक्स में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, पंचायत राज हैज ऑपरेट एट इंट्रोड्यूस इन 1959। तो देखिए पंचायत राज जो था इसको ऑपरेट करा गया था, इंट्रोड्यूस करा गया था इन 1959 में। तो कहाँ पे करा गया था, समिति एंड ब्लॉक लेवल पे करा गया था, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या फिर जो है
ऑप्शन सी जो है आपका समिति एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऑप्शन डी जो है विलेज ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेट करा था 1959 में कहां पे, विलेजेस ब्लॉक्स एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, पंचायत राज सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन टू टू स्टेट। ठीक है, पंचायत राज जो था फर्स्ट जो है इसको इंट्रोड्यूस दो स्टेट्स में करा गया था। पहला तो राजस्थान था, ठीक है, वन ऑफ राजस्थान, दो अदरवाइज। तो दूसरा कौन सा था, देखिए दो स्टेट इंडिया की थी जिनमें सबसे पहले पंचायत राज को जो है इंट्रोड्यूस करा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बताना है कि पहली स्टेट तो कौन सी थी, राजस्थान थी, और दूसरी स्टेट कौन सी थी, महाराष्ट्र थी, आंध्र प्रदेश थी, गुजरात या फिर तमिलनाडु। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन सी, ऑप्शन जो है बी आपका हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है सेकंड स्टेट थी, राजस्थान राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश जो है इन दो स्टेट में सबसे पहले जो है पंचायत राज को जो है इंट्रोड्यूस करा गया था। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, क्वेश्चन नंबर सिक्स इज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन 1992 रेफर टू द। देखिए जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था एक्ट, ये जो था 1992 में आया था। तो यहाँ पे आपने बताना है कि ये किस चीज को रेफर करता है। तो देखिए ऑप्शन ए आपका जनरेशन ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर द अनएम्प्लॉयड एंड द अंडर अनएम्प्लॉयड मैन एंड वुमेन इन रूरल एरिया। तो क्या ये राइट है, गलत है ये। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द एबल बॉडीज एडल्ट हु आर इन नीड एंड डिजायरस ऑफ वर्क ड्यूरिंग द लीन एग्रीकल्चर सीजन। तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है लाइंग द फाउंडेशन फॉर स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। तो ये क्या है, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग पंचायत राज इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए कंट्री में जो है इस चीज को लाया गया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1992 में आया था। ठीक है, ये इस चीज को रेफर करता है, लाइंग द फाउंडेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन है, इन हुज टाइम पीरियड द पंचायत राज यू आर गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो किसके टाइम में जो है पंचायत राज को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है। ठीक है, किसके टाइम में मिला था, तो देखिए ऑप्शन ए है आपका राजीव गांधी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका चंद्रशेखर, ऑप्शन सी है वीपी सिंह एंड ऑप्शन डी जो है पीवी नरसिम्हा राव। तो क्या होगा राइट आंसर, वो जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे जो है पंचायत राज को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है एट क्या है, द 73rd अमेंडमेंट प्रोवाइड अ टायर सिस्टम ऑफ पंचायत। तो कितने टायर सिस्टम की पंचायत को जो है 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें कितने टायर के पंचायत सिस्टम को बताया गया था, 3, 4, 2 या 1। तो क्या होगा राइट आंसर इसका, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 3 टायर। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा, 3 टायर जो है पंचायत राज सिस्टम जो है 73rd अमेंडमेंट में क्या प्रोवाइड करा गया था कि 3 टायर जो है पंचायत राज सिस्टम होगा। ठीक है, 3 टायर होगा पंचायत राज सिस्टम। ठीक है, तो यहां पे जो है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन है, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व इन ऑल पंचायत एट द लेवल फॉर वुमेन्स। तो आपने बताना है कि कितनी सीट्स को रिजर्व करा गया है पंचायत में किसके लिए, वुमेन्स के लिए। तो यहां पे जो है इसका राइट आंसर जो होगा 1/3। ठीक है, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द टेन्योर ऑफ ऑल पंचायत एट ऑल लेवल इज। तो कितनी टेन्योर होती है सभी पंचायत की, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, तो देखिए 1 ईयर होगा, ऑप्शन बी जो है 2 ईयर्स होगा,
सी जो है 4 ईयर होगा, या जो है 5 ईयर्स। तो कितनी टेन्योर होती है? 5 ईयर्स की होती है पंचायत राज में, ठीक है, 5 साल की टर्म होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ अ न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल ऑफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड। तो अगर कोई भी नई स्टेट बनानी होगी तो वहां पे जो है कौन से स्केड्यूल को जो है अमेंड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन ए जो है, फर्स्ट स्केड्यूल को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फोर्थ स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट करेक्ट डिस्क्राइब करता है किसको, जो फोर्थ स्केड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बताना है, तो देखिए, इट लिस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, तो गलत, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन जो है आपका, इट कंटेन द लैंग्वेज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन सी जो है आपका, इट कंटेन द प्रोविजन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, तो ये भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है, इट एलोकेट सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, तो ये राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए जो फोर्थ स्केड्यूल है इसमें क्या है, ये एलोकेट करता है सीट्स को किसकी, काउंसिल ऑफ स्टेट की। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, द 8th स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द, तो इसमें क्या पाया जाता है, जो 8th स्केड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें क्या पाया जाता है? फंडामेंटल राइट्स पाए जाते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पाए जाते हैं, अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये है, या फिर जो है नंबर ऑफ सीट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो क्या है इसका राइट आंसर, 8th स्केड्यूल में क्या आता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो देखिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये किसमें आता है? 8th स्केड्यूल में आता है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन द प्रोविजन रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन एक्ट। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा स्केड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें कौन सा प्रोविजन पाया जाता है किसके रिगार्डिंग, एंटी डिफेक्शन एक्ट, ठीक है। तो कौन सा स्केड्यूल है? फर्स्ट, सेकेंड स्केड्यूल है, 8th स्केड्यूल है, 5th है, या जो है 10th है? तो कौन सा स्केड्यूल है जिसमें जो है एंटी डिफेक्शन एक्ट पाया जाता है, इसके रिगार्डिंग होता है? तो वो जो है ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, 10th स्केड्यूल, ठीक है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड द नंबर ऑफ स्केड्यूल्स वर। तो आपने बताना है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था तो कितने जो है स्केड्यूल थे उस टाइम पे? तो क्या राइट आंसर होगा? 8 थे, 10 थे, 12 थे, या फिर जो है 11 थे? तो देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करा गया था तो तब जो है कितने स्केड्यूल थे? वो थे 8, ठीक है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अभी की टाइम की बात करेंगे तो कितने हैं? 12 हैं, ठीक है। ये जो है आज के टाइम की बात है, लेकिन जब बनाया गया था तब 8 स्केड्यूल थे, ठीक है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बॉर्ड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। आपने बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है उसने जो है स्कीम कौन सी, इंडियन फेडरेशन की जो स्कीम थी वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लाई है? यूएसए से लाई है, कनाडा, यूएसएसआर, या फिर जो है यूके? तो कहाँ से लाई है? वो जो है कनाडा से लाई है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन फेडरेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो लाया गया है वो कहाँ से लाया गया है? वो जो है कनाडा से लाया हमने, ठीक है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बॉरोड द आइडिया ऑफ जुडिशियल व्यू फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। आपने बताना है कि जो फ्रेमर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने जो है ये आइडिया कहाँ से लाया था जुडिशियल रिव्यू का, किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था? फ्रांस से, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, या फिर नन ऑफ अबव? तो क्या राइट आंसर होगा? जो जुडिशियल रिव्यू था ये आइडिया कहाँ से आया था? ये आइडिया यूएसए से लाया था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर वॉज नॉट
वॉरविड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। आपने बताना है कि इसमें से जो है कौन सा फीचर है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है और जो है जिसको हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लाया है। तो देखिए, ऑप्शन ए जो है आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो ये जो है हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाया है, ठीक है, ये लाया है हमने। उसके बाद जो है ऑप्शन बी जो है रूल ऑफ लॉ, तो ये भी लाया है, ये राइट, ये भी राइट है, हमने रॉन्ग बताना है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन सी जो है इलेक्शन प्रोविजन, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, इलेक्शन प्रोविजन जो है ये हमने ब्रिटिश से नहीं लाया है, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक अबाउट द म्यूनिसिपलिटी, तो आपने बताना है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जो किसके बारे में बात करता है, म्यूनिसिपलिटीज के बारे में बात करता है। तो देखिए ऑप्शन ए आपका है पार्ट 9th, ठीक है, ऑप्शन बी जो है पार्ट 9A, ऑप्शन सी जो है पार्ट 10th, ठीक है, एंड ऑप्शन डी जो है आपका पार्ट 10A। तो कौन सा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का, तो वो जो है पार्ट 9A, ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा, पार्ट 9A जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें जो है म्यूनिसिपलिटीज के बारे में बात करी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इट इज ऑफ्टन सेड दैट द की टू द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन लाई इन द, तो देखिए आपने ये बताना है कि ये जो है इनके माइंड में कैसे आया था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के, कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए, तो देखिए वो कहां से आया था, प्रिंबल से आया था, ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन इनशाइन इन, तो किसमें जो है इसको ये एम और ऑब्जेक्टिव जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो किससे लाए थे ये, देखिए द प्रिंबल है, द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, ऑप्शन सी जो है द चैप्टर ऑफ ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ द अबव, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो भी होगा ऑप्शन ए, ठीक है, प्रिंबल। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 की, तो क्वेश्चन नंबर 22 है प्रिंबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो प्रिंबल है वो किसका है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो वो क्या इंडिकेट करता है उस चीज के बारे में हमने बताना है, क्या बताता है ये हमें, तो देखिए इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो ये ऐसा है, बिल्कुल गलत बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। अब ऑप्शन बी जो है इंडिकेट द ऑब्जेक्टिव टू अचीव इट, जो अचीव करा है उन ऑब्जेक्टिव को जो है इंडिकेट करता है, तो ये भी गलत बात है, ठीक है। अब ऑप्शन सी जो है आपका इंडिकेट द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव इट्स अथॉरिटी, तो ये बात राइट है, ठीक है, इंडिकेट करता है उस सोर्सेज को जहां से जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ड्राइव करता है उसकी अथॉरिटी को, ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की, द टेक्स्ट ऑफ द प्रिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम टू सिक्योर, तो इसका एम क्या है, किस चीज को सिक्योर करती है ये जो टेक्स्ट है प्रिंबल की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो वो किस, उसका एम क्या है, किसको सिक्योर करती है, तो देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका फर्स्ट है फंडामेंटल राइट टू ऑल इंडिविजुअल, तो ऐसा है कि फंडामेंटल राइट्स जो है उनको सिक्योर करती है सभी इंडिविजुअल्स के, तो ये नहीं है, गलत बात है। ऑप्शन बी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन सी जो है आपका डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की, क्वेश्चन नंबर 24 है विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एडेड द वर्ड सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी इन द प्रिंबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आपने बताना है कि कौन सा अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें ऐड करा गया था वर्ड कौन सा, सेक्युलर और इंटीग्रिटी को, ठीक है, सेक्युलर और इंटीग्रिटी को ऐड करा गया था किसमें, प्रिंबल में, ठीक है, जो प्रिंबल है टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो आपने बताना है कि कौन सा अमेंडमेंट था, तो देखिए फर्स्ट अमेंडमेंट था, 24th अमेंडमेंट था, 42nd अमेंडमेंट था, या जो है 44th अमेंडमेंट था, तो देखिए यहां पे मैं एक चीज आपको बता दूं कि प्रिंबल को जो है एक ही बार जो है अमेंडमेंट करी गई है प्रिंबल की, ठीक है, और वो कौन सी थी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रीम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन अमेंडेड सो फार। फॉर तो कितनी टाइम जो है इसको अमेंड करा गया है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया, तो कितनी बार जो है अमेंड करा गया है प्रिम्बल को, तो वो जो है ऑन्स एक ही बार जो है इसको अमेंड करा गया था, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट के थे, ठीक है। और जो है अब क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 26 है, द वर्ड सिकुलर डिनोट, तो सिकुलर वर्ड जो है क्या डिनोट करता है, कीपिंग अवे फ्रॉम ऑल रिलीजन, ठीक है, ये बताता है आपको। एंड ऑप्शन बी जो है आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप टू ऑल सिटीजन्स, ये राइट आंसर होगा। बिलीफ इन वन गॉड ये है, या जो है प्रैक्टिसिंग डिफरेंट रिलीजन्स, तो ये है। तो यहाँ पे जो है क्या राइट आंसर होगा इसका, तो ये आपने जो है कमेंट सेशन में बताना है, ये आपका होमवर्क है, तो कमेंट सेशन में बताइएगा जरूर कि जो है हमने आपको 25 प्लस जो है आपके लिए एमसीक्यूज लाए थे, आपने इसमें से जो है आपके कितने क्वेश्चन राइट थे, तो आपके जो है कम से कम 20+ क्वेश्चन तो आपके राइट होने चाहिए यहाँ पे। तो अगर नहीं है तो आपको दोबारा से लेक्चर पढ़ने की जरूरत है, प्लेलिस्ट बनी हुई है इंडियन पॉलिटी की, तो वहां पे जो है आप फिर से देख सकते हैं इसको, हमने आपको पूरा का पूरा करवाया है, वहीं से हमने क्वेश्चन जो ये निकाले थे, ठीक है। तो यहीं पे करेंगे वीडियो को वाइंड अप, तो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट लाइक भी जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि जो भी हम अपलोड करेंगे तो वो आपको जो है वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे करेंगे वीडियो को वाइंड अप, तो दीजिए इजाजत, बाय बाय, जय हिंद।